स्कूल टाइम के बाद अब क्या था, कुछ तो करना ही है, कुछ तो करना ही है, कुछ तो करना है। तो अब कजन ब्रदर थे मेरे यहाँ पे, तो उनके साथ आ गए, रिपेयरिंग सीख ली, फिर उसके बाद उनके साथ काम करते रहे, और फिर अपना भी इंटरेस्ट में हो गया, करना तो कुछ है ही। ये पहले तो था नहीं, अब तो जितना आपको ये दिख रहा है 20% जो ग्रोथ दिख रही है ना, वो इस वजह से आ गई है कि बाहर के लोग थोड़ा यहाँ इंडिया में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे गेमें दो, गेमें खिलाओ या अदर खेलों में, तो इस वजह से इंटरेस्टेड है यहाँ। मतलब पहले तो कोई स्कोप था ही नहीं, सबको पता कोई गेम ना, कोई वीडियो बनाता था गेम की, ना कोई वीडियो गेम खेलना पसंद करता था इतना। और सबसे कम रेट में PS5 जो भी कम से कम आपको डिजिटल में दे दूंगा, ये नहीं है कि हमने बोल रखा 30-40 हज़ार रुपये में ये दे देंगे वो दे देंगे, और जो जितने में आपको वीडियो में बोला उतने का प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं 35,000 रुपये। पहले तो मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ, मेरी शॉप का क्या है नाम, मेरा शॉप का नाम है रवि साहू वीडियो गेम। बाकी तो पुराने जो भी वीडियो मतलब देखते होंगे सब जानते हैं मुझे। एड्रेस समझा देता हूँ, लाल किला मेट्रो गेट नंबर 2 के पास शॉप है मेरी, रवि साहू वीडियो गेम, स्टॉल नंबर 3 अपोजिट शॉप नंबर 1। ठीक है भैया, आपके आप गेम की बात आई तो मेरे पे सारा कुछ मिलेगा, PS आर्केड से लेकर PS4 और 5 तक। सबसे पहले ये हो गया छोटा गेम, ये होता है 400 का होता है। फिर उसके बाद इसमें एक बड़ा कंसोल आ गया, आप देख सकते हो। अच्छा, कुछ नया है इसके बाद है नया? अच्छा अच्छा, इसमें ये होता है, ये भी रेट्रो ही है। अच्छा, इसमें ज्यादा गेम होती है, 600 गेम। डिस्प्ले भी थोड़ी बड़ी है, बड़ी डिस्प्ले है, उसमें गेम भी ज्यादा है। इसके अंदर गेम है 620 गेम है, और ये 700 रुपए। उसके बाद आ जाता है भैया आर्केड में, फिर ये वाला, ये आजकल ज्यादा मिल रहा है, ये ज्यादा HDMI वाला, HDMI होता है, ये 1500 रुपए का होता है, 15,000 गेम है इसका। अच्छा, इसके अंदर दो वाले रिमोट, कॉन्ट्रा, मारियो, स्ट्रीट फाइटर सब होती है। कई लोग कहते हैं 500 रुपए तक में कोई गेम दिखा दो छोटी गेम। अच्छा अच्छा, ये टीवी वाली गेम 500 रुपए। अच्छा, इसमें अटारी के गेम होंगे सारे? नहीं नहीं, इसके अंदर मारियो कॉन्ट्रा वही होगी, सारे वाली होगी। अच्छा, ये भी वायरलेस है, एक नई आइटम है ये G11 Pro। अच्छा, ये नया लॉन्च हुआ है क्या मार्केट में? नहीं, ये है थोड़ा है पुराना, अच्छी आइटम है। अच्छा, G11 Pro ये बहुत इजी और इसमें गेमें ज्यादा है सबसे ज्यादा। छोटा सा कंसोल है, इसके अंदर क्या है, इसमें सारी जितने एमुलेटर आए हैं वो सारे हैं इसके अंदर, सारे एमुलेटर, सारे PS1 भी होगा, PS1 का भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, PSP का भी है, PSP का भी है। अच्छा, PSP का भी है, इसको PSP नहीं लेना हो ये ले लो, ये ले सकता है, सही है। और दूसरा ये नॉर्मल टीवी को स्मार्ट बनाता है, नॉर्मल को स्मार्ट। अच्छा, YouTube भी चल जाता है? YouTube चल, अरे तो बड़ा अच्छा, सही चीज है यार ये तो। उसके बाद फिर आया था हमारा PS2। अच्छा, बिल्कुल न्यू भी मिलते हैं क्या आपके पास? नए नहीं होते भैया। अच्छा, रिफर्मिश होते हैं, रिफर्मिश न्यू तो आजकल फोर नहीं आ रहा, फोर ही नहीं आ रहा, रिफर्मिश है। ये शो होता है, ये हार्ड डिस्क के साथ होता है, 4,000 रुपए का होता है, सी गेम लोडेड, रिमोट, मेमोरी कार्ड, सब कुछ कम्प्लीट होता है। अच्छा, रसीला वाला कॉम्बो आता है नॉर्मल हार्ड डिस्क पे भी आ रहा है, पहले स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ये होता है 4,000 रुपए का। अच्छा ठीक है जी, आ गए। अब मैं आपको रसीला भी दिखाता हूँ, ये होता है रसीला वाला, बोलते रसीला वाला, ये 5,500 रुपए का होता है, कमर्शियलाइज आइटम है, थोड़ा फास्ट चलता है इसलिए लोग 5,500 रुपए का। इसमें एक आता है फैट मॉडल, वो भी सेम रेट है, वो भी इसकी तरह ही होता है, वो भी 5,500 रुपए का है, एक्चुअली 70 गेम में सारा कुछ होता है। इसके बाद आया था PS3। PS3 का तो मेरे को भी पर्सनली काफी वो है, मेरे को भी लेना है। फैट है ना ये? स्लिम है। अच्छा, स्लिम है, स्लिम है ये। और इससे एक और स्लिम आता है, एक सुपर स्लिम आता है, एक सुपर स्लिम आता है। अच्छा अच्छा, ये है सुपर स्लिम, कंडीशन ये होती है। हाँ, क्या तो मिंटी आती है यार कंडीशन मेरी। बाकी ये जो होता है ना, ये रिफर्मिश वाले जो होते हैं, ये मिलेगा 11,000 रुपए। अच्छा अच्छा, और अगर किसी को सेकंड हैंड लेना है तो भैया सेकंड हैंड 7,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। क्रैक गेम सारे, गेम लोडेड, 500 GB, 25 गेम लोडेड। 25 गेम लोडेड। उसके बाद एक्सबॉक्स भी है। अच्छा अच्छा, 360। ये 360, ये तो मेरे पास भी है, काफी अच्छा कंसोल है। जेल ब्रेक है, गेम लोडेड है, 75 गेम है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, सारी मॉडर्न आती है इसमें तो, गेम अच्छी आती है इसकी। आया था PS4 से ऊपर का वारंट भी कोई चीज है तो वो भी मिल जाए। अच्छा, एक्सबॉक्स में भी, एक्सबॉक्स में भी कोई भी वारंट चाहिए, कोई भी, वन हो गया, एस हो गया, कोई भी हो, सब मिल जाते हैं आपको। PS4
स्टार्टिंग मॉडल है ये। अच्छा, बेसिक से दिखा रहा हूँ, सबसे जो पहले आया था पहला मॉडल था ये। इसमें शायद लाइट वेल थी ना साइड में, ये लाइट ये काफी 15,000 से स्टार्टिंग बिना गेम लोडेड 15,000। अच्छा, बिना गेम लोडेड, और गेम लोडेड लोगे तो 18,000। 1TB होगा लोडेड वाला, 15 गेम होंगी 18,000 रूपए। उसके बाद फिल्म होता है, ये होता है, फिल्म होता है मेरे पास। बाकी एक्सेसरीज वगैरह जो होती है सारे, मतलब की रिमोट हो गए आपके, कंट्रोलर्स हो गए, PS3 सारे कंट्रोलर्स हैं। ये PS4 के कंट्रोलर्स का क्या प्राइस रहेगा, वो जो रेड वाला? 1,000 रुपए से स्टार्ट। अच्छा, 1,000 रुपए से PS4 के कंट्रोलर आ जाएंगे। 1,000 रुपए से स्टार्ट। अच्छा अच्छा, और रिपेयरिंग का भी यहाँ पे दिख रहा था, PS2 का रिपेयर, रिमोट से रिपेयर, PS3 रिपेयर सब होगा। अच्छा, ज्यादा तो PS2 रिपेयर कराने आते हैं, सब आते हैं। देख रहे हो लोडिंग लगी हुई है, सब हो रही है, PS4 वगैरह की लोडिंग चल रही है। और उसके अलावा आप भी PS5 जो अभी कम से कम आपको डिजिटल में दे दूंगा 35,000 रूपए का, 1 ईयर वारंटी, 35,000 रूपए डिजिटल एडिशन, इंडियन बिल, इंडियन बिल। और CD वाला लोगे क्रिकेट बंडल दे दूंगा 42 का, 42 का। अरे उसमें वो कॉल ऑफ ड्यूटी वाला भी होगा क्या? कॉल ऑफ ड्यूटी वाला भी 42 का मिल जाएगा। अच्छा, 42 में वो मिल जाएगा, वो भी सही है। अभी स्लिम भी तो आया PS5 का, उसका इंडिया में नहीं। अच्छा, इंडिया में नहीं, उसका कोई अपडेट? अगले साल कह रहे हैं कि अच्छा एंड तक आ ही जाएगा, मतलब वो GTA 6 के साथ ही मेरे को लग रहा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तब भी वेट करना चाहिए बंदों को या क्या आप बता? कुछ नहीं भैया, आप PS5 खरीद ही सकते हो, वेट के ऊपर मत रहो, वेट के ऊपर मत रहो। क्या आएगा, जब आएगा, जब आएगा ही वो वापिस ऐसा ना हो जाए, आती महंगा हो जाए वापिस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। बाकी उसकी रिपेयरिंग होगी आपकी, PS2 की रिपेयरिंग, PS3 की रिपेयरिंग, सारी रिमोट रिपेयरिंग, ठीक है, सब रिमोट वगैरह, एक्सेसरीज वगैरह सब चीज हो जाती है अपने पास। आपका एक बार और एड्रेस अच्छे से बता दो आप। एड्रेस मैं बता देता हूँ, बाकी कार्ड भी दिखा दो एक बार वीडियो में। ये कार्ड है मेरा, कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहे हैं, एड्रेस भी दिख ही रहा होगा इसमें, ठीक है। और लोकेशन बहुत ईजी है मेरी, लाल किला मेट्रो गेट नंबर 2, नियर बाई शॉप नंबर 1 सामने आ जाती है। रवि साहू वीडियो गेम, ठीक है भैया। और बाकी और भी चैनल मेरी वीडियो होती है, बाकी उस पर आप कमेंट पढ़ सकते हो। प्रोडक्ट जेन्युइन होता है, जेन्युइन होता है, और सबसे कम रेट में। ये नहीं है कि हमने बोल रखा 30-40 हज़ार रुपये में ये दे देंगे वो दे देंगे, और जो जितने में आपको वीडियो में बोला उतने का प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। ये नहीं है हमने 4,000 में बोल दिया हम आपको, फिर जब आप शॉप पे आओगे है नहीं हमारे पास या इस रेट में नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कुछ। तो आपकी मतलब दुकान की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, मतलब आपने कैसे, इंडिया में तो इतना गेमिंग का था नहीं, तो आपने कैसे? ऐसा कुछ नहीं है भैया, इंडिया में अब तो गेम का बहुत है, पर स्टार्टिंग थी तो स्कूल टाइम के बाद, अब क्या था, अब कुछ तो करना ही है, कुछ तो करना है। तो अब कजन ब्रदर थे मेरे यहाँ पे, उनके साथ आ गए, रिपेयरिंग सीख ली, फिर उसके बाद उनके साथ काम करते रहे, और फिर अपना भी इंटरेस्ट में हो गया, करना तो कुछ है ही। ये नहीं पता था कि अब जिस लेवल पे गेम का स्कोप हो गया है, कितना उस लेवल पे उस टाइम नहीं था। अब तो ये है कि अब डिसलाइट ज्यादा हो गई है, सोशलाइट ज्यादा हो गया, तो हर किसी को पता लग गया वीडियो गेम भी एक चीज है, भी एक चीज होती है। तो पहले तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि वीडियो गेम होती क्या है, लोग ये बोलते थे गंदी चीज है, पर अब बहुत अच्छे लेवल पे काम हो गया। तो आपको मतलब स्टार्टिंग में कैसा, जब आपने बताया सबको कि मैं ये वीडियो गेम, पता ही नहीं था कि ये काम भी होता है कोई। अच्छा, किस चीज का काम करते हो आप? सब पूछते होंगे ये क्या कर रहा है, ये क्या काम है, ये क्या चीज है, पर जो हमारी लाइन में करने वाले उनको तो पता ही है कि ये काम है। इसका स्कोप क्या था? स्कोप तो अभी भी क्या है भैया, स्कोप तो आगे बढ़ी रहा है, डिजिटलाइजेशन हो गई है, तो अब तो स्कोप है ही। बाकी यार रिपेयरिंग होगी और गेमिंग कंसोल हो गए, अब तो काफी अच्छे लेवल पे काम हो गया। और इसके आप देख रहे हो म्यूजियम, मतलब आप ये देख रहे हो इनके म्यूजियम खुल गए, अब तो काफी चीजें हो गई है, तो अब इसको फैज में। तो आपका फेवरेट कौन सा कंसोल रहा है शुरू से, मतलब आपको कौन सा पसंद है? पहली बात तो मैं गेम खेलता नहीं, गेम मैं नहीं खेलता था, पर मेरा रिपेयरिंग में इंटरेस्ट था, इस वजह से हूँ मैं इस लाइन में। मैं रिपेयरिंग का इंटरेस्ट था ना, तो इसलिए इस लाइन में हूँ। आपको काफी टाइम से आप इस काम में कर रहे हो? बिल्कुल, मेरे को हो गए 15 साल प्लस ही हो गए भैया। अब मैं 10th पास करने के बाद, पास आउट करने के बाद यहाँ आ गया था इस लाइन में। तो जैसे कि अभी मोबाइल गेमिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उससे आपको कुछ इफेक्ट लगा अपने काम पे? कुछ नहीं है, बाकी यहाँ पहले के मुकाबले थोड़ा सा गेम लाइन इस मोबाइल की वजह से थोड़ा सा कम हुई है, थोड़ा सा, पर अब ऐसा कुछ नहीं, अब स्कोप और भी अच्छा हो गया। अब लोगों को मतलब घर में कंसोल होना जरूरी लगता है, कि हाँ एक कंसोल होना चाहिए मेरे पास, चाहे कुछ भी हो, चाहे PSP हो या PS2 हो या PS4 हो, एक कंसोल उनको लगता है कि होना चाहिए। जैसे कि बाहर के जो विदेश के बंदे होते हैं, फॉरेन कंट्री के, कहते हैं कि इंडिया में इतना गेम का क्रेज नहीं है। अब ये पहले से था नहीं, अब तो जितना आपको ये दिख रहा है 20% जो ग्रोथ दिख रही है ना, वो इस वजह से आ गई है कि बाहर के लोग थोड़ा यहाँ इंडिया में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे गेमें दो, गेमें खिलाओ या अदर खेलों में, तो इस वजह से इंटरेस्टेड है यहाँ। तो पहले तो कोई स्कोप था ही नहीं, सबको पता कोई गेम, ना कोई वीडियो बनाता था गेम की, ना कोई वीडियो गेम खेलना पसंद करता था इतना।
पर अब वीडियो गेम का मतलब कि इंडस्ट्री बड़ी हो गई है इंडिया में, काफी मतलब कह सकते हैं कि वर्ल्ड में अब टॉप पे आने वाला है जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, अब गेम इंडस्ट्री बड़ी हो गई है। तो आपका बस यही है कि यहाँ पे भैया ने रिपेयरिंग से चालू करा था और आज अपनी शॉप लेके फेमस, इंडिया की मोस्ट बोल सकते हैं ना, इंडिया की मोस्ट, तो बिल्कुल इंडिया में मोस्ट फेमस आपको आपको दुकान मिल जाएगी भैया की, साहू गेमिंग। आपको मैं अभी बाहर का इनके बाद बता दूंगा, साहू वीडियो गेम, रवि साहू, पहले था मेरा साहू गेमिंग के नाम से, अब मैंने चेंज करके अपना नाम से कर लिया, रवि साहू वीडियो गेम, रवि साहू, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरा नाम कॉपी कर लिया था इस चक्कर में, तो मैंने नाम ही चेंज करवा दिया, मैंने अपना ही रखा है। तो आपके और कुछ प्लान्स है फ्यूचर के अंदर? स्कोप है, कर ही रहे, बैठे काम चल ही रहा है हमारा, कोई इतनी दिक्कत ही नहीं।